आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। कौन नमोकारम अरहंतानम तहे बसीधानम आयर्यव्वजायानम लूयम् यसबसाभूनम्। बड़े देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। बड़े श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बड़े आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बड़े आचार्य रत्न एक सौ आठ श्री अजित सागर जी महाराज की जय। गुरुवार आचार्य कल्प 108 श्री सरमती सागर जी महाराज की जय। बड़े सोलह कारण पर्व की जय। सोलह कारण भावना की श्रृंखला में आज बारहवीं भावना है। बारहवीं भावना का नाम है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत किसे कहते हैं? जो अनेक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं उन्हें बहुश्रुत कहते हैं। जैसे श्रुत केवली महान 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, उनकी भक्ति करो। उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान की भक्ति करो। इसीलिए बहुश्रुत में आगम का बहुत सारे शास्त्रों का विवेचन किया गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा आगम, छंद, पुराण, ये सारी चीज़ें। आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म भाषा किसे कहते हैं? आगम और अध्यात्म, ये दो प्रकार के शास्त्र हैं। अध्यात्म शास्त्र किसे कहते हैं? जैसे समय सार है, रहन सार है, प्रवचन सार है, ये सब क्या है? अध्यात्म शास्त्र है, जिसमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा की उपलब्धि होती है और उसका ध्यान किया जाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम किसे कहते हैं? जिसे कर्मों की प्रकृतियों का ज्ञान हो, तीन लोक का ज्ञान हो, जैसे त्रिलोक सार है, त्रिलोक पन्नति है, कर्मकांड है, जीव कांड है, ये सब क्या है? ये आगम कहलाते हैं। जिसके अंदर आगम का अर्थ होता है कि किन प्रकार से कर्मों का बंध हो और किस प्रकार से कर्मों का नाश हम कर सके, इसे आगम कहते हैं। और किस प्रकार से ध्यान और तपस्या कर सके, किस प्रकार से आत्मस्वरूप का चिंतन कर सके, वो सब अध्यात्म शास्त्र होते हैं। इसके पश्चात छंद होते हैं। छंद माने श्लोक बनाना, जैसे मानतुंग आचार्य भक्तमर लिखा, ये श्लोक कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र लिखे जाते हैं उसको छंद शास्त्र कहते हैं। इसके बाद पुराण। पुराण किसे कहते हैं? जिसमें महापुरुषों का वर्णन हो, जिससे वैराग्य की जागृति हो, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उसे पुराण कहते हैं। ऐसे महापुरुष पद्म पुराण रामचंद्र जी का, आदिनाथ पुराण भगवान आदिनाथ का, ऐसे हरिवंश पुराण, हरिवंश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब का वर्णन, ऐसे हमारे जो पुराण हैं उनका वर्णन, महापुरुषों की कथाओं का वर्णन। इसके बाद उन्होंने कहा तर्क, तर्क शास्त्र, वितर्क शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें नए का वर्णन हो, 60 नयों का वर्णन जिसमें आता है उसको तर्क शास्त्र कहते हैं। जैसे सिद्धांत सार है, आलाप पद्धति है, ये सब क्या है? नए शास्त्र हैं। इन नयों से क्या होता है? हमें ज्ञान होता है। शादबाद और अनेकांत बिना नए के हो ही नहीं सकता है, इसलिए नए शास्त्र को पढ़ना भी अति आवश्यक होता है। फिर उन्होंने कहा काव्य। काव्य किसे कहते हैं? जिसमें शरीर के रूप का वर्णन किया जाए। महा महा स्त्रियां, महा महापुरुष, उनके
शरीर का वर्णन, कितना सुंदर उनका शरीर होता था, फिर भी वो एक क्षण में छोड़ करके वैराग्य को धारण करते थे, ऐसे काव्य शास्त्र। इसके बाद कथा, अनेक प्रकार की कथाओं, जैसे सम्यक सुओमदी, उसमें कथाएं हैं। उन कथाओं से क्या होता है, महापुरुषों की कथाएं करने से पुण्य का लाभ होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का क्षय होता है ऐसे कथाओं को पढ़ने से। इसके बाद ज्योतिषी, बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिषी विद्या ब्राह्मणों की है, हमारी नहीं। लेकिन नहीं, हमारे ज्योतिष शास्त्र भी बहुत सारे होते हैं। किस प्रकार से यह ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर क्या काम करते हैं और कितना हमें सुख और दुख देते हैं, ये सारे शास्त्र हमारे भी हैं, हमारे ही हैं। हमारे में से उन लोगों ने निकाल करके अपने शास्त्र बनाए हैं, बाकी हमारे भगवान की वाणी में ये सारे शास्त्रों का वर्णन निकला है और गंधर्व ने गूंज करके हमारे तक पहुँचाया है। ऐसे जो शास्त्र होते हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद वैद्य शास्त्र, जिसमें औषधियों का वर्णन हो, उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इस प्रकार शास्त्रों का वर्णन आगम को पढ़ करके होता है और अनुभव से भी होता है। 11 अंग 14 पूर्व को पढ़ा नहीं जाता, तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके तपस्या से, ध्यान से, साधनाओं से ये सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। अथवा पूर्व भव का हमारे साथ कोई पढ़ा हुआ ज्ञान है, वह भी हमारे अंदर इस भव में उदय आता है, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, नहीं भी समझ में आए तो पढ़ते जाओ, इस भव का पढ़ा हुआ आगे भव में हमें काम आएगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने दो बात कही, एक आगम है, एक नो आगम है। आगम शास्त्र इसी भव में पढ़ करके याद होता है और नो आगम इस भव में पढ़ा हुआ अगले भव में याद आएगा, उसको हम नो आगम कहते हैं। इसलिए जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सारा हमें ज्ञान नहीं होता है, पूर्व भव का ज्ञान भी हमारे साथ रहता है और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें अनुभव में याद करके, अनुभव में ला करके उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे गंधर्व वगैरह जितने भी होते हैं ये बहुसुत पाठी होते हैं, इसलिए उनकी भक्ति करो। बहुसुत माने 11 अंग 14 पूर्व के पाठ जिसके किया है, वे कभी भी इस प्रकार की अनुभव नहीं करते अथवा याद भी नहीं करते अथवा अपने चेहरे पर भी इस प्रकार का नहीं बताते कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना पाठी हूँ, क्योंकि उनके शरीर में मान नहीं होता है, उनके अंदर मान की कसाई नहीं जागृत होती। आज हमें एक शास्त्र का ज्ञान होता है तो मानो मान के पर्वत चढ़ता है और वो कहता है मेरा जैसा ज्ञानी कोई दूसरा होगा नहीं। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान कितना पढ़ लो, 12वें गुणस्थान तक भी अज्ञान कहा गया है, मिथ्या ज्ञान नहीं, उदय का अज्ञान। जो औदयिक भाव में अज्ञान भाव आया है वो 12वें गुणस्थान तक चलता है, क्यों चलता है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा वो भी अज्ञान है, जबकि वहाँ पर विपुलमति मन पर ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान की अपेक्षा वह भी अज्ञान है। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान कहाँ होता है, पूर्ण ज्ञान की, ज्ञान की पूर्णता कहाँ होती है, 13वें गुणस्थान में जा करके। कितना भी पढ़ लो, आज पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे, डिग्रियाँ मिलती चली जा रही है और फिर भी हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं, न हमारे जैन आगम के ज्ञान की सीमा है और न हमारे विज्ञान के ज्ञान की सीमा है। पढ़ते चले जाओ, उतना ही आपके ज्ञान बढ़ता चले जाएगा। इसीलिए हमारे ज्ञान में संसार के अंदर दो ज्ञान प्रत्येक जीव को होता है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, विकल इंद्रिय हो, सकल इंद्रिय हो, कोई भी हो, मति और शुद्ध ज्ञान सब में होता है, चाहे वो कुमति हो, कुशुद्ध हो, चाहे मति और शुद्ध हो, प्रत्येक प्राणी के होता है। उस मति माने बुद्धि, उस बुद्धि का जितना विकास हमें करना है उतना विकास शुद्ध ज्ञान से होता रहता है। इसलिए प्रत्येक मानी को दो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रत्येक के साथ है। इसे जितनी हमारी बुद्धि बढ़ेगी उतना हमारा शुद्ध ज्ञान बढ़ेगा और शुद्ध ज्ञान के साथ साथ
हम आगे अवध्यान में पड़ी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और इन ज्ञानों को नहीं भी करते हुए मत्स्य ज्ञान श्रुत ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करें जो जिसकी ज्ञान की सीमा खत्म हो जाए, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलिए सोलह कारण भावना की जय। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।